इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। अरे साहब नहीं करा, आप बच्चा का मुंह बने कि आप बोल के यही की तू जा चलो 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 कल भी तो बात की आराम से तो करी थी। अरे आज भी आराम से करी थी तो आज कैसे इसने बोल दिया? चलो ठीक है, मैं रिस्पांसिबल वालों कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैंने, मैं हूं एमपीपीडीएल से, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं तहसीलदार हूं। अरे साहब हम तो प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसको, किसने चुना शासन को, सरकार को, आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब मैंने चुना क्या, मैंने बोला एमपीपीडीएल को अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा, आपकी मर्जी होगा शब्द पढ़ ली अंग्रेजी बल में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो हिंदी का नहीं है लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ जाओ, खेती करने वाला लोग हैं। आपका क्या मामला है जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके परिवार के लोगों को मैडम जो बातें कह रही थी, तो क्या है उस मामले की पूरी सच्चाई? अरे उस मामले की सच्चाई ये है, मेरा नाम सुनील जाट, क्योंकि मैडम हमारे यहाँ आए थे राम कुमार राव, और मैडम को जैसे हमने कुछ मैडम को हमने भी कुछ टेरिस में आप शब्द बोल दिए, मैडम गुस्सा हो गए, मैडम भी इसमें थोड़ा सा गुस्सा हो गए, और मैडम का और हमारा कुछ विवाद ही नहीं हुआ इसमें। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये तो हमको ही पता नहीं चल रहा है कौन कौन कर रहा है वीडियो वायरल। नहीं तो वीडियो में जिस तरीके से जैसे बात की जा रही थी, मैडम ने जो बातें कही गई थी, तो ये जो बातें हैं तो इसमें आपके द्वारा कोई ऑब्जेक्शन लिया गया क्या इस चीज़ को लेकर? नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, और मैडम ने तो मना बोला था कि अभी इनकी फसल कट जान दो, तो मैडम को क्या पता कोई आगे से बोल दिया कि नहीं, तो मैडम ने बोला कि चलो भाई, तो मैडम हम गुस्सा हो गए, मैडम भी गुस्सा हो गए, नहीं तो मैडम को, मैडम ने तो हमारा पक्ष ही लिया, मैडम के बारे में कुछ भी नहीं हमारा ऐसा वाद विवाद कुछ भी नहीं। क्या कहा था मैडम ने, ऐसा क्या कहा था? मैडम ने बोल दिया कि वाह भाई नहीं सुनो तो चलो, चल दिए थे मैडम, और मैडम ने कुछ नहीं कहा था ऐसा। नहीं जैसे आप बोल रहे हो फसल वाली बात जो बोल रहे हैं कि मैडम ने क्या बोला था, फसल को लेकर क्या बोला था? फसल को लेकर मैडम ने बोला था कि आपका मुआवजा मिलेगा जितनी आपकी फसल नष्ट होगी। तो आप बोल नहीं, जैसे कि मैडम बता रही हैं कि मैडम ने बताया था कि पहली बार जब मैडम आई थी तो उन्होंने बोला था कि भैया ये किसानों की फसल के मामले में मैं रिस्क नहीं लूंगी, आप ये काम बाद में कर लेना, तो क्या ये बात सही है? हाँ मैडम ने ऐसा बोला था, सही बात है कि आपने और मैडम ने हमको ये बोला था, आप कलेक्टर के पास चले जाओ। अच्छा कितनी बार मैडम आई हैं आपसे मिलने और आपसे कितनी बार बातें की हैं? दो बार मैडम हमारे पास आई थी मिलने और दो बार बात की, और मैडम जब पहले रोज आए थे जब तो कोई उनने बहुत आराम से बात की, और उनने तो डायरेक्ट यही बोला भी उसको पीटीसीएल वाले कंपनी वाले को कि इनका बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। तो तो कुल मिला के ये कंपनी के जो अधिकारी है इनके द्वारा जबरदस्ती की गई क्या आपसे? हाँ इनके द्वारा ही ज़्यादा की गई, नहीं तो मैडम ने तो 20 रोज से डाला था इनको। अच्छा मैडम का कुछ भी नहीं था इसमें, तो मैडम के पास तो 20 रोज से आ रहे थे ये। अच्छा कंपनी वाले ने जबरदस्ती की इस बारे में तो। अच्छा मतलब, और आपको भी शायद सुनने में आया है कि कंपनी वालों ने आपको लोगों को भी परेशान किया है? हाँ तो उनने हमको भी परेशान किया, और जो कंपनी वाले हैं ना उनने जबरदस्ती मैडम को बुलाया गया, और फिर जब तो मैडम आए से ही नहीं, तो मैडम तो आते ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा ये जो कंपनी है जो पोल लगा रही है, इस कर्मचारियों ने आपसे कोई गलत बात की है, कुछ अपशब्द कहे या ऐसी कोई बात कही जिससे आपको ठेस पहुँचे? वो तो ऐसी बात कर रहा था, एक दिन फोन लगाया तो क्या उसका अच्छे नाम है न्यूके चेतन सिंह, न्यूके तुम कर रहे हो कि नहीं, तो मैं कार्यवाही करूँ आगे मैं यहीं खड़ा हूँ, बोले कि तहसील में आप सुनते हो कि नहीं, तो हमने अच्छा। बोला कि कर जो कार्यवाही करनी, नहीं करने दे हम तो। आपका शुभ नाम? सुनील जाट। और निवासी? कुमार राव। मतलब आपके हिसाब से ये मामला जो है कि इसमें आप मैडम के को लेकर कोई ऐसी बात नहीं मानते हैं कि मैडम ने का और हमारा कोई वाद विवाद ही नहीं उसमें, और मैडम तो हमारे पक्ष में ही बोली उस दिन भी, और अब दो बार आई थी दो बार हमारे पक्ष में बोली मैडम का, और हमारा कोई वाद विवाद ही नहीं उसमें। ठीक, एक वीडियो वायरल हुआ है ये कुछ दिन पूर्व का बताया जा रहा है, और कुमार राव की घटना है, एक्चुअल में पूरा मामला क्या है और इस वीडियो का क्या है? ये गुरुवार का वीडियो है, गुरुवार को कुमारिया राव गए थे, उस वक्त का वीडियो है। किसान हैं कुछ कुमारिया राव के, नाम लेना मैं उचित नहीं समझती हूँ, तो उनके खेत में कुछ एमपीवी का खंबा टावर आ रहा था 132 केवी लाइन का, उसके संबंध में उनको समझाइश देने के लिए गए थे कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा इसके बदले में, लेकिन शासकीय कार्य है तो उसमें कोई बाधा ना डालें। और पिछले 20 दिन से जो है एमपीपीटीएल वाले उनसे चर्चा कर रहे थे, 3-4 बार जो है मेरी चर्चा हो चुकी थी और उनके द्वारा सहमति भी दी गई थी,
इसके बाद भी पता नहीं क्यों उस दिन जो था उनके द्वारा फिर से शासकीय कार्य में बाधा डाली गई, और हम जब मौके पर पहुंचे उसके बाद भी हमारे द्वारा जो है समझाइश का ही प्रयास किया गया बकायदा, मतलब उनके घर पे बैठ के वहीं पे चाय पी के बड़ा उनके घर के बुजुर्गों को बुला के जो है समझाया गया था, फिर घर के बच्चों द्वारा कुछ वाद विवाद शुरू कर दिया गया जिसमें भी उनके द्वारा भी कुछ अपशब्द कहे गए जिसके रिएक्शन में मैंने भी उनको डांट लगाई, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसके बाद जो है पूरे मामले का निराकरण हो चुका है और उनके वो स्वयं दो दिन बाद आए थे और लिखित में मुझे आवेदन दे गए थे कि जो भी हमारा दुर्व्यवहार जो भी हुआ था और उनके द्वारा जो व्यवधान डाला गया था उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और आगे से कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, और अभी आपसी सहमति से MPPTL का काम भी वहाँ शुरू हो चुका है। मैडम, आपने जो बताया गया था कि उसी समय वो जो वीडियो बनाया हुआ था और आपने और उन्होंने मिलकर वो डिलीट कर दिया गया, तो ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? कि वो वीडियो बना रहे थे, मेरी नॉलेज में आया कि वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे द्वारा समझाइश दी गई कि देखो आपसी जब बात हो रही है सहमति से तो इस तरह से वीडियो चुपके से बना लेना वो भी एक पक्षीय, अब एक तरफ ही सिर्फ मुझे दिखा रहे हो जिसमें मैं दिख रही हूँ, तो ये सही बात नहीं है, और एक तो मैं महिला अधिकारी हूँ तो इस तरह से किसी महिला का बिना परमिशन के वीडियो बना रहे सही नहीं है, तो कृपया आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो उन्होंने बात को समझा, माना कि हाँ गलती हो गई और दिखाया भी था कि हम डिलीट करेंगे, और फिर पता नहीं ये वीडियो या तो रिसाइकल बिन में होगा या पहले किसी को सेंड कर चुके होंगे, किस तरह से वो रिट्रीव कर लिया उन्होंने और फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने किया भी नहीं, जो है दूसरे लोगों ने उनके नाम से कर दिया है। आपका नाम और पद? अंजलि गुप्ता, तहसीलदार सोनकच्छ। Thank you.